Namaskar. Sorry to make you all wait. In the wake of this coronavirus ki problems ke karan, abhi main aapke aapka premi yogi Antarang Anand, yogacharya Antarang Anand yogi. आपको मैंने पिछले बार भी एक वीडियो रिलीज किया था कोरोना वायरस के लिए और आज हम लोग अभी थर्ड स्टेज को फाइट करने वाले हैं इसीलिए हमने सोचा कि आज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द लिंक टू सेपिएंट ग्रुप सेपिएंट आई मीन फ्रेंड्स और पारस के रेजिडेंट्स इन लोगों को मैंने करीब करीब आज 1000 लोगों को दिल्ली एनसीआर में हमने जो योग सिखाया सभी साथियों को मेरा प्रणाम और मैं यह बताना चाह रहा था सबसे पहली चीज़ आज भी मेरे पास दो तीन फ़ोन आए कि मुझे कफ है तो छाती में ये हो रहा है मुझे दबाव हो रहा है तो एक तो पहला सिम्टम पहला जो पहचान है कि वो हम लोगों को बिल्कुल ही पैनिक नहीं होना है कि ये कोरोना है कि हमको खांसी हो रही है तो कोरोना हो गया छाती में दबाव है तो कोरोना हो गया एक तो पहला टेस्ट ये है कि सांस लंबा लीजिए और ऐसे करके अगर ऐसे पकड़ सकते हैं तो ऐसे नहीं तो ऐसे भी रोक सकते हैं नॉर्मल वन तो ये सांस रोक लें भी 60 काउंट्स हमने सांस रोका अब आप अगर मान लीजिए 30-40 काउंट्स तो कोई भी रोक सकता है तो आप सांस इसी प्रकार रोकते रहिए और रोक यू जस्ट होल्ड योर ब्रेथ एंड यू विल फाइंड दैट यू विल यू आर मींस इफ दिस प्रोसेस इवनिंग एंड मॉर्निंग यू डू दिस प्रैक्टिस एंड इट इज एक्चुअली प्राणायाम इसमें क्या होता है जब हम प्राणायाम करते हैं तो दो तरह का प्राणायाम होता है एक रेचक होता है एक पूरक होता है तो इसमें आप इनहेल करके और होल्ड करते हैं तो उसको पूरा कुंभक कहते हैं और एक्सहेल करके होल्ड करते हैं तो रेचक कुंभक कहते हैं तो इससे आपको डिटॉक्स भी हो जाएगा जैसे आप अभी जो हमने किया होल्ड किए हुए हैं तो इट इज पूरक कुंभक ठीक है और इसी में एक्सहेल कर दिया और पेट को अंदर खींच लिया देखिए स्टम तो ये हो गया उड्डयन बंद यानी उड्डयन कुंभक यानी रेचक कुंभक तो इसमें बाहर सांस छोड़ करके और हमने सांस को होल्ड किया तो ये प्राणायाम भी हो जाता है आपका तो इस तरह से आप सुबह शाम ये प्रैक्टिस कर लीजिए फिर से मैं बता देता हूँ कि आप सुबह खाली पेट आप ब्रश करने के बाद ये एक प्राणायाम कर लीजिएगा उड्डयन का उड्डयन बंद का प्राणायाम इसमें क्या करना है जरा मैं थोड़ा सा और नज़दीक करके आपको दिखाता हूँ देखिए अभी हम ऐसे हैं कि हमारी ये एब्डोमेन आपको सबको दिख रहा है ठीक है तो यहाँ पर आपका सांस बाहर छोड़ना है और सांस बाहर छोड़ के और पेट को अंदर करना है ठीक है तो ये देखिए यहाँ आप इस तरह से आपकी डिटॉक्स भी हो जाएगी इनहेल होल्ड ये तो नॉर्मल आपने चेक किया करीब 20 काउंट्स या 30 काउंट्स है ना यानी आप अगर 40 काउंट्स कर लिए तो समझ लीजिए कि आपने फास्ट गिन रहे हैं तो 20 सेकेंड्स होल्ड कर लिए ठीक है तो अब ये है एक अब दूसरा है कि अगर आप इसी में आप उड्डयन प्राणायाम जो है उड्डयन बंद लगा लिए बंद मीन्स होल्डिंग राइट तो आप क्या करेंगे इनहेल तो एक पूरक बंद
और रेचक बंद। तो हमने जो अभी किया पूरक में सांस लेके होल्ड किए थे, ये पूरक बंद था, पूरक कुंभक। अभी हम लोग, कुंभक मीन्स होल्डिंग, है ना, होल्डिंग द ब्रेथ। और अब हम रेचक कुंभक कर रहे हैं। रेचक कुंभक में सांस बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचेंगे तो ये उड्डयन बंद हो जाता है। देखिए, लगभग हमने करीब 20 सेकंड सांस रोका, तो ये 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 में आपका प्राणायाम भी हो गया और आप अपने जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं आपके, इसको आपने मजबूती भी प्रदान कर दिया। तो ये चीज है। अब इसको आप, मैं अभी कुर्सी पर बैठा हूँ, इतना कंफर्टेबल पोजीशन पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार आप अगर चाहो तो सुखासन में नीचे बैठ करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अभी मैं आसन लगा लिया और ये आसन में इस तरह से कर लिए। ठीक है, ये हमने आसन लगा लिया। अब आसन में मान लो हमने सुख आसन, ये से आराम से बैठेंगे, तो आसन लगा लिए, सांस लिए, सांस लिए और छोड़ दिए, और छोड़ करके पेट को अंदर खींच लिए। तो ये आपका, इससे क्या होगा, सुबह सुबह वॉशरूम के बाद, पेट साफ करने के बाद, आपका पेट तो पहली बात अच्छे से साफ होना चाहिए। उसके लिए आप नींबू पानी, अगर अच्छे से साफ होता है तो नॉर्मल पानी पी करके, गर्म पानी अच्छा रहता है, गर्म पानी पी करके आप वॉशरूम जाइए। और उसके पहले भी क्रिया हम आपको बता देंगे। तो ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं, ये डिटॉक्स करने के लिए। अब डिटॉक्स का मतलब टॉक्सिन्स को दूर करना, और टॉक्सिन्स को दूर करेंगे तो क्या होगा, आपका टॉक्सिन्स दूर होगा तो आपका जर्म्स जो है, हमारे घर में गंदगी होती है तो वहाँ कचड़े कीड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार हमारे पेट में अगर टॉक्सिन्स रहेगा, यानी कॉन्स्टिपेशन रहेगा, गंदगी रहेगी, तो वहाँ भी कीड़े हो जाएंगे, तो जर्म्स हो जाएंगे। तो टॉक्सिन्स को निकाल दो, टॉक्सिन्स को हटाओ, टॉक्सिन्स को साफ करो, और टॉक्सिन से भट गया तो जर्म्स को मार दो, जर्म्स विल बी किल्ड, जर्म्स को मार दो, सेल्स को जीवन दो, ब्लड को साफ करो, इम्यूनिटी को बढ़ाओ। सो आई एम टीचिंग दिस फॉर्मूला, ओके। टॉक्सिन्स को निकाल दो, जर्म्स को मार दो, सेल्स को जीवन दो, ब्लड को साफ करो, इम्यूनिटी को बढ़ाओ। सो दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस विच आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू टेल। तो आपको क्या करना है, तो मैंने बताया कि सबसे पहला तो है सांस होल्ड करने वाला, जिसको पूरक कुंभक कहते हैं, कि आपने सांस लिया और रोक लिया और होल्ड किए हुए हैं, तो ये पूरक ऐसे पकड़ के करो या ऐसे करो, 10 सेकंड से 20 सेकंड, ये पहला टेस्ट हो गया। तो 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, यानी आप 50 काउंट करके आप कर सकते हैं, ये आप कर ले। उसके बाद कमल दादा को नमस्कार, उसके बाद फिर हम लोग जो ये है कि अपना लीवर को और किडनी पैंक्रियाज को भी हम मजबूत कर लें, तो उसके लिए आप क्या करें कि अभी जो मैंने बताया कि आप आराम से ऐसे सुखासन में बैठ जाइए या कुर्सी पर बैठ जाइए और सांस लेकर के छोड़कर पेट को अंदर खींचिए। सांस फिर उसके करीब लगभग 10 से 20 सेकंड आप सांस होल्ड कर लीजिए, और होल्ड करने के बाद आप सांस बाहर छोड़िए, पेट को रिलीज कीजिए और सांस भर लीजिए, क्योंकि आप सांस ऑलरेडी छोड़े हुए हैं तो सांस भर लीजिए। तो ये आपका, इसको हम उड्डयन बंद कहते हैं। अब जो लोग योग करते हैं, मान लो पद्मासन लगाते हैं, तो वो लोग इसी चीज को आप पद्मासन की मुद्रा में
आप सांस बाहर लें और बाहर करके होल्ड कर लें। अभी देखिए इसी चीज को मैं फिर से दिखा रहा हूँ, डैम बंद। और इसके साथ साथ जिन लोगों को थायराइड की तकलीफ है वो साथ में जलंधर बंद लगा दें, और जिन लोगों को जो लोअर ग्लैंड्स की प्रॉब्लम, यूरिनरी प्रॉब्लम है, या जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को नीचे मूलबंध भी लगाना था, यानी त्रिबंध के साथ हम ये कर लेंगे। देखिए इसी प्रकार सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, होल्ड कीजिए, एनस पॉइंट को ऊपर खींचिए, यूरिनरी पॉइंट को अंदर खींचिए, पेट को अंदर खींचिए और गर्दन दबा दीजिए। फिर उसके बाद 10 से 20 सेकंड आप करने के बाद इसको आप फिर पेट को ढीला छोड़िए। तो सबसे पहले आप जैसे जाने का बंद मुद्र है कि आपने गर्दन दबाया लास्ट में, तो खोलना पहले इसको खोलिए, फिर पेट ढीला कीजिए, फिर एनस पॉइंट को रिलीज कीजिए। तो ये त्रिबंध हो गया। तो अब मैंने इतना आसान तरीके से बता दिया ये त्रिबंध को, जिसको महाबंध कहते हैं। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी की पूरी जो सिस्टम है, पूरी मेटाबॉलिज्म वो मेंटेन हो जाएगी। और हमारा आज का विषय क्या है, हमारा आज का विषय है टॉक्सिन्स को निकाल दो, जर्म्स को मार दो, सेल्स को जीने दो, ब्लड को साफ करो, तो इम्यूनिटी को बढ़ाओ। तो हमारा विषय आज का इम्यूनिटी बढ़ाना, यानी जो सबसे बड़ी जो बातें हो रही हैं, जिसके लिए HIV का ड्रग दिया जा रहा है ठीक करने के, वो आपको हम आज जो प्रोसेस बता रहे हैं, उस प्रोसेस से हर आदमी अपनी इम्यूनिटी को हमेशा डेवलप करके रख सकता है। क्यों होता है इम्यूनिटी, क्यों इम्यूनिटी खराब, क्योंकि हमारे बॉडी में जब हम खाना खाते हैं तो वो अगर ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता तो गैस बन जाता है, यानी अंदर में कचरा रह गया। तो हमारा कचरा यानी टॉक्सिन्स, तो टॉक्सिन्स को हमको निकालना है। तो डिटॉक्स करने के हम तरीके बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमने आपको सांस क्रिया बताया। सांस क्रिया में मैंने बोला पूरक क्रिया, यानी होल्ड करना ब्रेथ को। तो होल्ड करने वाला आजकल बात भी हो रहा है कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए, कि आपके लंग्स की कैपेसिटी, तो सांस को आप कितनी देर होल्ड कर पाते हैं। तो होल्ड करते हैं यानी कि आपकी वाइटल एनर्जी आपके साथ मेंटेन है। ये वाइटल एनर्जी कैसे आता है, देखिए हमारे बॉडी में 5 वायु होते हैं, अंदर की और 5 बाहर की वायु। अंदर की वायु को होते हैं प्राण, फिर अपान, उदान, व्यान और समान। ये 5 वायु में आपका जो प्राण वायु है वो हार्ट, लंग्स और ब्रेन की फंक्शनिंग्स को मेंटेन करता है। उसका केंद्र आपका हार्ट चक्र, यहाँ पे अनाहत चक्र। फिर प्राण के बाद अपान वायु आपका ये है पेट। ये पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, मेंस्ट्रुअल सिस्टम माता बहनों में, वो हमारी अपान वायु रेगुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद उदान वायु आपकी जो स्पीकिंग ऑर्गन है और थायराइड का जो इश्यूज है वो हमारा उदान वायु मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद उदान के बाद व्यान वायु मीन्स आपकी पूरी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के द्वारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, उसके बाद हमारी ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, ये तीनों सिस्टम हमारी व्यान वायु से रेगुलेट होता है, जो पूरी बॉडी को सिस्टम में चलता है। और लास्ट है समान वायु। समान मीन्स सभी वायु को बैलेंस करता है, जिसका केंद्र नेवल पॉइंट। इसीलिए आप लोग अगर अपना पेट को, की अग्नि को मेंटेन रखेंगे तो आपके बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं होंगे तो जर्म्स नहीं होंगे, वायरस की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, और आपकी बॉडी को में ब्लड साफ रहेगा, ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी होगी। वो डिटॉक्स ब्लड लेकर नहीं, टॉक्सिन वाला ब्लड लेकर नहीं जाएगा, जो डिटॉक्स वाला ब्लड है उसको कैरी करेगा जहाँ, और क्योंकि दैट इज ब्लड इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, तो अच्छे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई करेगा, तो आपको कभी भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अब ब्लड प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि टॉक्सिन्स रहती है, और टॉक्सिन्स को हमने खाया, मान लीजिए किसी ने रात में पनीर खा लिया, छोले भटूरे खा लिए, बहुत सारे प्रोटीन खा लिया, जो नॉनवेज खाते हैं वो तो अलग खा लिए मान लो रात में, अब रात में आपने खा लिया, अब वो पूरी तरह टॉक्सिन्स हो गए, आप सो गए, अब वो टॉक्सिन्स आपके बॉडी में बिल्कुल गैस बन रहा है। और आप खाना खाने के बाद कहते हैं ना, आफ्टर लंच रेस्ट ए वाइल, आफ्टर डिनर वॉक ए माइल, खाना खाने के बाद लोग चलने की परंपरा खत्म हो गई, दिन में सोलर एनर्जी सनलाइट लेने की परंपरा खत्म हो गई, सब लोग एसी में रहते हैं,
तो ये सारे चीजों के कारण आज हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बन जाती है रात भर में। सुबह में ऐसे भी पेट नहीं साफ होता, आधा पेट साफ होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। सुबह उठते साथ जो पवन मुक्तासन पेट को फोल्ड करके और फिर पैर को फोल्ड करके फिर उठना है वो कि नहीं करते, तो उसके कारण आपका पेट नहीं साफ होता। और पेट नहीं साफ होता तो आप आधे पेट साफ हुए आप कुछ ना कुछ फिर चाय पी लेते हैं, या कुछ लोग तो बिना टॉयलेट गए पेट चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं। तो ये सारा चीज, एक तो अंदर में पहले टॉक्सिन था फिर और टॉक्सिन भर लिए। अब आप ये सारे चीजें समझ लो कि टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में आ गई। अब आप इस टॉक्सिन्स के साथ में आप अगर अभी दिन की चर्या चलेंगे तो आप ये सोचो कि आप मान लो एक कार है आपका, यजुर्वेद में कहा गया है आत्मनम रथिनम विधि शरीरम रथमेव्तु, कठोर उपनिषद में भी ये श्लोक है आत्मनम रथिनम विधि शरीरम रथमेव्तु। जिसकी आत्मा जागृत है, जो समझदार इंसान है, वो अपने शरीर को मंदिर बनाता है। शरीर को मंदिर यानी शरीरम धर्म मंदिरम, शरीर रथ बनाता है। इट इज द व्हीकल ऑफ योर लाइफ विच विल टेक टू योर डेस्टिनी और द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, टू मर्ज विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। परम पुरुष, परम ब्रह्म, परम चैतन्य ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु खुदा, उससे मिलने के लिए ये शरीर है आपका, ये व्हीकल है। आप अपने कार से कहीं ट्रेवल करते हैं, आपके कार में अगर बहुत कचरे रहेंगे और आप उसमें ट्रेवल करेंगे तो आपका मन पूरे यात्रा में खराब रहता, बदबू आती रहे उसमें, कार में कचरे पड़े रहे, तो आप कैसे ट्रेवल कर सकते हो। तो when you can understand about the travel your car, and why are you not able to understand the car of your body? आप अपने आत्मनम रथिनम विधि शरीरम रथमेवतु, आपका जो शरीर यानी रथ जो है, आपके जीवन का रथ है, उसके बारे में आप क्यों नहीं समझ पा रहे? तो उसको समझना है। तो उसको समझने के लिए बहुत सिंपल है कि हम लोगों को हवा धूप पानी, ये शरीर किससे बना है? पांच महाभूत से, पृथ्वी यानी धरती तत्व यानी जो हमारी सॉलिड जो शरीर हार्ड मांस है वो, उसके पृथ्वी हो गया, जल हो गया, फिर अग्नि है, फिर वायु है और आकाश। ये पांच चीजों से पूरा ये यूनिवर्स बना है और पांच चीजों से हमारी शरीर बनी। तो अब इन पांच चीजों को आपको ठीक रखना है। तो सबसे पहला चीज है कि हमने बोला, शुरू ही किया, टॉक्सिन्स को निकाल दो, टॉक्सिन्स को निकाल दो, टॉक्सिन्स को निकाल दो, टॉक्सिन्स को साफ करो। यानी अपने घर की गंदगी आप साफ कर रहे हो, खूब झाड़ू पोछा करा रहे हो, मेड रख रहे हो, और कार भी आप एक आदमी रख करके साफ करा रहे हो, और ड्राइवर भी स्पेशल ध्यान रख रहा है। तो उसी प्रकार बॉडी को आप ही को करना होगा। आत्मनम रथिनम विधि शरीरम रथमेवतु, यानी आपका आत्मा जागृत है तो आप अपने शरीर को रथ की तरह, शरीरम धर्म मंदिरम, आप लेकर चलेंगे। तब बुद्धि तु सारथी विधि मना प्रग्रमेव च, तब आपके बुद्धि में सारथी रूपी स्वयं भगवान कृष्ण आपके शरीर में अर्जुन के रथ जैसा, अर्जुन यहाँ पर हुआ है कि वह धर्म युद्ध कर रहा है, यानी आप जो नेगेटिव एनर्जी है उसको आप फाइट कर रहे हैं। जो कोरोना वायरस टाइप की जितनी नेगेटिव एनर्जी है, कोई भी वायरस आ गया, हमेशा वायरस हमेशा व्याप्त रहता है, उस वायरस को आप दूर करते हो। कैसे दूर करते हो? आपके अंदर की आत्मिक शक्ति हमेशा जागृत रहती है, आप बॉडी को डिटॉक्स करते हो, टॉक्सिन्स निकल गया, जर्म्स को आपने मार दिया। कौन मारा? युद्ध किया, आप संग्राम कर रहे हो। अब आपके अंदर की बॉडी के एक एक सेल्स में एंटीबॉडीज है, वो एंटीबॉडीज फाइट करेगा, आप फाइट करके उसको दूर कर देंगे। फाइट करके आपके अंदर का ही जो यहाँ हाथ के स्किन से भी बहुत ज्यादा आपने सैनिटाइजर लगा लिया तो स्किन के ऊपर में आपकी पूरी स्किन में एंटीबॉडीज उस स्किन में भी रहता है, और वो सैनिटाइजर बार बार लगाने से वो भी खत्म हो जाता है। इसलिए साबुन से धोइए, लेकिन अल्कोहल से, केमिकल से वो खराब, खत्म हो जाता है, वो मर जाता है। तो वो जर्म्स को मारने की शक्ति आपके हाथ में भी रहती है, वो भी आप खत्म कर देते हो। तो इसीलिए आप प्रकृति को समझिए कि पंच महाभूत में जो भगवान ने आपको जो दिया, ये जो बाजार व्यवस्था है जिसमें हमेशा वायरस के नाम पे जो दुकानदारी होती है, उससे आप अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आप प्रकृति को समझिए, भारतवर्ष की परंपरा को समझिए, भारत के ऋषि महर्षियों की गुरुकुल परंपरा, ऋषिकुल परंपरा को समझिए। अभी वो एक बहन ने सैनिटाइजर लगाया और किचन में काम करने चली गई, और उसमें अल्कोहल होता, वो इन्फ्लेमेबल होता, हम कहाँ चल गए? तो ये भी ये सारा चीज कोई नहीं बता रहा, और पूरी हो रही। तो इसीलिए हम लोगों को प्रकृति को समझना, यही समझदारी है, इसी को आत्मा की जागृति कहते हैं।
और शरीर को मंदिर बनाना, तो आपके साथ विवेक रूपी भगवान कृष्ण यानी स्वयं साक्षात परब्रह्म परम पुरुष परमात्मा ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु के रूप में आपके अंदर रहते हैं और वो जागृत हो जाते हैं और वो आपके साथ युद्ध में संग्राम करते हैं। युद्ध किन के साथ? यही नेगेटिव एनर्जी के साथ। ये कौरव आपके साथ ही है, आपके अंदर में ही आ रहा है इस गंदगी के कारण, आपके इंद्रिय सुख और भोग और विलासिता के कारण। और इसको आपने शरीर को, ये जो रथ है आपका, इसको आपने मंदिर बनाया, तो आपके साथ भगवान कृष्ण स्वयं साक्षात भगवान आपका जो युद्ध है यानी आपको 10 इंद्रियों को कंट्रोल करना है। तो फिर से मैं इस श्लोक को दोहराऊंगा, आत्मनम रथिनम विधि शरीरम रथमेव। तो ये पहले समझ गए कि आपकी आत्मा जागृत है, शरीर मंदिर बन गया, शरीर को आपने पूरी तरह अच्छे से आप निरोग करना और सही खान पान पंचमहाभूत को मेंटेन करना, जैसे आप कार को मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद है बुद्धिम तु सारथी, यानी आपके ईश्वर ही, आपके खुदा ही, आपके भगवान, आपके वाहेगुरु सारथी के रूप में आपके अंदर आ गए। ठीक है, अब यानी आपके वो विवेक हो गए, चैतन्य हो गए, वो आपके एक तरह से ड्राइवर है जो आपको लेकर जा रहे हैं, बेटा आप तुमको चलना है। अब अर्जुन को चिंता नहीं है, अर्जुन के सारथी बन गए। अब अर्जुन को सिर्फ युद्ध करना, यानी अब हमारे शरीर में जितने भी नेगेटिव एनर्जी है वो एंटीबॉडीज के रूप में उसको फाइट करेगा, जो वायरस होगा उसको खत्म कर देगा, जितने भी कौरव होंगे सबको ये 5 पांडव खत्म कर देंगे। अब क्या करेंगे वो? तो मन प्रग्रमित, 10 इंद्रियां, आईज नोज ईयर स्किन एंड टंग, आंख नाक कान जीवा और त्वचा, हाथ हस्त पा, हस्त पाद है ना, तो हस्त हस्त हाथ पैर, हाथ पैर हस्त पाद, ये जो है, सॉरी एक फोन आया था डिस्टर्ब हो गया, तो हाथ हस्त हाथ ये हो गया, आंख नाक कान जीवा त्वचा, हाथ हस्त पाद वाक पायु उपस्थ, यानी हाथ पैर वाक बोलने का यंत्र, आपके पैर ये पायु उपस्थ यानी आपके पचने पेशाब का यंत्र और आपके टॉयलेट का यंत्र यानी पेट साफ करने का जो है, ये सारे आपके 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 दिशा में 10 भाव में आपके साथ चलते हैं। तो 10 × 10 कौरव, 100 कौरव, और इसको कंट्रोल करने वाला आपका पंचमहाभूत, पंचकोश, 5 इंद्रियां, ये जो 5 चक्रों में मूलाधार चक्र टेल बोन के पास, यूरिनरी पॉइंट के पास स्वाधिष्ठान चक्र, आपके नेवल पॉइंट के पास मणिपुर चक्र, फिर यहाँ पर हृदय पर अनाहत चक्र, यहाँ पर आपका विशुद्ध चक्र, ये 5 तत्व के चक्र हैं, जल तत्व अग्नि तत्व ये अग्नि तत्व वायु तत्व आकाश तत्व, ये 5 तत्व के हैं। और इसकी जब आप लोग हमारे साथ, अभी मैं ऑनलाइन पूरी कोरोना वायरस के इस प्रकोप में, अच्छा जी हो गया, सब लोग घर में बैठेंगे, सब लोग इंट्रोवर्ट से होंगे, साधना करेंगे, तो मैं ऑनलाइन कनेक्टेड रहूंगा, सारी टाइमिंग शेयर करूंगा, लिंक शेयर करूंगा और आपको पूरा योग घर में बैठे सिखाऊंगा। आप लोग सिर्फ इस फेसबुक में लाइव रहिएगा और इसको बाद में लिंक शेयर करेंगे और भी तरीके से हम इसको करेंगे, तो हम पूरा बताएंगे कैसे आपके भी एक एक बीज मंत्र, लंग वंग फिर रंग यंग हंग, उसके श्लोक और इसके साथ जो इंडिविजुअल हम सिखाएंगे, जो हमारे सारे जो आनंद मार्ग के साधक हैं, जो आनंद मार्ग के आचार्यों के से सीखते हैं, एक ऐसे वो उसका एक एक मंत्र का श्लोक है, लंग बीजम धरणिम धाय चतुराशाम सुपितभाम सुगंधम स्वर्णवर्णत्वम आरोग्यम देहलाघवम, ये मैं सिर्फ बोल कर बता रहा हूँ ताकि जो साधक हैं वो समझ सकें कि ये क्या है, और जो साधक नहीं है वो सीखने के लिए हम आचार्यों से संपर्क करें। तो अब हम फिर से आते हैं टॉपिक पर कि हम बात क्या कर रहे थे, कि आपको अपने शरीर को मंदिर बनाना है, मंदिर बना करके टॉक्सिन्स को दूर करना है और अपने अंदर में ईश्वर रूपी साक्षात भगवान कृष्ण राम हरि वाहेगुरु ईश्वर अल्लाह के रूप में वो आपके आत्मा में है, वो आपको 10 इंद्रियों के रूपी जो आपकी भोग विलासिता में जो मन जाता है उसको कंट्रोल करते हैं। तो 10 इंद्रियों का जो गुलाम है 10 आनंद है, 10 इंद्रियों को जो हरा दिया वह हो गया दशहरा, 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले विजयदशमी, तो यह 10 इंद्रियों का गुलाम रावण जो दशानन है उसको मार दिया तो राम बन गया, रावणस्य मरणम रामः, यही महाभारत पर्व है।
यानी अब देखिए 10 × 10 100 कौरव, 100 कौरव को पंच महाभूत, 5 पांडव, 5 इंद्रियां, पंचकोश के द्वारा आप उनको जागृत करके, उनकी साधना करके, आप जब अपने शरीर को मंदिर बनाते हैं, शरीर को डिटॉक्स करते हैं, टॉक्सिन्स से निकाल देते हैं, तब आप क्या हो जाते हैं, आप हो जाते हैं बिल्कुल राम, रावणस्य मरणम रामा। 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, विजयदशमी, 10 इंद्रियों को हरा दिया, 10 हरा, और आप रा से रावण, म से मरणम, रावणस्य मरणम रामा, राम बन गए। ये आप सोचिए कि इतना सिंपल है आपका महाभारत और रामायण। तो अब हम आते हैं कि हमने टॉक्सिन्स को निकालने के लिए सबसे पहला हमने क्या क्रिया सिखाया। सबसे पहला क्रिया सिखाया कि सुबह उठिए, उठते साथ पेट साफ कीजिए, पेट साफ करने के लिए गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी पीने के पहले आप पैर को फोल्ड करके और सीधा करिए, ठीक है। उसको ऐसे है कि देखिए इस प्रकार आपने जैसे नींद खुल गई, तो नींद खुलते ही आपने ऐसे पैर को आप ऐसे ऐसे फोल्ड किए और सीधा कर दिए, फोल्ड किए सीधा कर दिए, तिरछा हो गया, मैं बता रहा कि ऐसे फोल्ड किया, ये पवन मुक्तासन का पाठ है, 4 बार आपने ऐसे फोल्ड किया, सीधा किया, ठीक है, ओके। तो ये उसके बाद आप करवट लेकर उठ जाइए, फिर आँख बंद करके थोड़ी देर भगवान को याद कर लीजिए, भगवान को याद करके, और फिर उसके बाद आप जिसमें भी हमारे गुरुदेव श्री श्यानंद मूर्ति जी ने वो गुरु सकाश दिया, प्रातः शीर्षि शुक्लब्जे द्विनेत्रम द्विभुजम गुरु वराभयम कृतम हस्तम स्मरण्यम नाम पूर्वकम। तो ये आप इसको करके, और फिर आपका जो साधक का शपथ है, जो आचार्य हैं आचार्य का शपथ है, वो सब लेकर आप उठ गए, और बगल में आप पानी रखिए, गर्म पानी रखिए, ठीक है, स्टील के थर्मस में, और नहीं तो गर्म करने की सुविधा है, तुरंत गर्म कर लीजिए। आजकल बहुत फैसिलिटी अच्छी है, प्लग लगाइए और केतली रखिए और तुरंत पानी गर्म कीजिए और तुरंत पीजिए, गर्म गर्म पानी पीजिए 2 ग्लास 3 ग्लास। अब जिनको इससे भी ज़्यादा कब्ज होता है, तो रात में अजवाइन मेथी और सौंफ उसको आप 1 ग्लास पानी में भिगा के रखिए, और उसको उसी गर्म पानी जो है उसमें मिक्स कर दीजिए, नहीं तो उसको भी गर्म कर दीजिए, और गर्म करके और फिर उसके बाद उस पानी को पीजिए, और पेट को ऐसे ऐसे सहलाते हुए जाइए वॉशरूम, पेट साफ कीजिए। इसके बाद भी नहीं होता तो नींबू पानी पीजिए, इसके बाद भी नहीं होता तो और भी बहुत सारे तरीके हैं शोधन क्रिया के जो हम आपको बताएंगे। तो अभी हम लोग पहला बात कर लिए कि जो पेट साफ हो गया उस वॉशरूम से आने के बाद, आपके कौशिकी नृत्य है वो हम सिखा देंगे थोड़ी देर में, वो कौशिकी कर लीजिए। अगर आप नहा ले तो और अच्छा है, नहाने के बाद आप योग क्रिया करिए, तो उसमें बैठ जाइए कौशिकी करके, यानी कुछ भी आप फ्री स्टाइल करिए, डांस करिए करके, कौशिकी डांस में आप पूरे बॉडी के 22 तरह की बीमारियों को ठीक करते हैं कौशिकी नृत्य से, ज़्यादातर माताओं बहनों की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो नृत्य आपने देखा होगा, मैंने कई बार सिखाया बताया, आज फिर मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैं सिटिंग एक्सरसाइज बता रहा हूँ, तो वो करने के बाद आप बैठ जाइए। बैठने के बाद आप सबसे पहले अपना जो ब्रीदिंग टेस्ट है, जो प्राण शक्ति है, उसको चेक कीजिए। फिर से हम दोहरा दें, सांस लिया और होल्ड कर लिया, इसको हम पूरा कुंभक कहते हैं। होल्ड अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो होल्ड ऐसे कर लीजिए। इससे आपका ये चेक हो गया। फिर उसके बाद आपका रेचक कुंभक जो डैन बंद है, कि मैं आपको दिखाया करके, सांस बाहर छोड़ा, पेट को अंदर खींच के होल्ड कर लिया, यो डैन बंद लग गया। इसी में जो लोग थोड़े योग करने वाले लोग हैं वो अपने बॉडी को पूरी तरह डिटॉक्स कर लीजिए, और उसमें आप एकदम बिल्कुल अच्छे से तीनों बंद लगाइए, बाहर सांस छोड़ दिया, एनस पॉइंट यूरिनरी पॉइंट को ऊपर खींचा, पेट को अंदर किया और गर्दन को दबा के छाती ऊपर उठा दिया, फिर उसके बाद रिलीज कर दिए, ठीक है। इस तरह से रिलीज कैसे करेंगे, जैसे जाते हैं जिस सीक्वेंस में उसी सीक्वेंस में, अब सबसे पहले आपने उस एनस पॉइंट को बंद किया, फिर पेट अंदर किया, फिर ये गर्दन ये किया,
या आते समय पहले गर्दन रिलीज कीजिए फिर पेट रिलीज कीजिए उसके अवेयरनेस पॉइंट को छोड़िए, ठीक है। यह उड्डयन बंद है के साथ आपका तिरी बंद है, ये आपने कर लिया तो आपकी बॉडी में अब एनर्जी आ गई, वाइटल एनर्जी आ गई, वाइटल एनर्जी आ गई तो अब आपको टॉक्सिन्स को निकालने की शक्ति डेवलप होगी। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप साथ साथ आपको पेट को आगे पीछे करके आप लीवर किडनी पैंक्रियास को भी मजबूत कर लीजिए, लेकिन पाइल्स के जो पेशेंट है वो ना करें, ठीक है। वो स्पेशल फिर हमारे साथ आचार्यों के साथ संपर्क करें कि आगे उनको उड्डयन लगा सकते हैं लेकिन अग्नि साथ, और हाँ माता बहनों में भी मासिक के दौरान में नहीं करना उनको। तो इसमें क्या करना, देखिए सांस लिया छोड़ दिया पेट को अंदर बाहर, फिर उसके बाद हमने सांस ली कर ली, ठीक है ना। ये सब ये जो तरीके हैं आपके, इस तरह से आप पूरी तरह अपने इंटरनल ऑर्गन्स, मैंने कहा कि जो नेवल पॉइंट है आपका समान वायु जहां पर है, ये सारे वायु को जो प्राण अपान उदान व्यान और समान मैंने वायु बताया, उसमें यह जो वायु है आपकी नेवल पॉइंट की वायु, इस वायु को अगर आप ठीक कर लिए तो बॉडी की टॉक्सिन्स निकाल देंगे। और टॉक्सिन्स फिर से दोहरा दूं, टॉक्सिन्स को निकाल दो, जर्म्स को मार दो। जर्म्स कौन मारेगा, आपके अंदर में ही जो पांडव है, जो पंच महाभूत है, पंच कोशाज है, पंच इंद्रियां हैं आपकी, ये आपकी पांडव है। किसके साथ है वो, कृष्ण के साथ है। कृष्ण कहां है, यहां सर आपके अंदर की आत्मा। वो कब आते हैं, जब आप अपने शरीर को मंदिर बनाते, शरीर को साफ करते हो, शुद्ध करते हो मंदिर, तो आपके साथ वो आते हैं और टॉक्सिन्स को निकाल दिया तो जर्म्स को खत्म कर दिया। वो आपके आपके अंदर में ही जो रावण है, वो दस इंद्रियों का जो गुलाम है, जो आपको चिकन मटन से लेकर के आपको तली भुनी चीजें जो खिला देता है, आपको इधर उधर भोग विलासिता में ले जाता है, वो सबको कंट्रोल कर देगा। और कंट्रोल करके आप अपने आनंद के जीवन को अपने आप जीना शुरू करेंगे। तो आपका क्या होगा कि आप अब जर्म्स को मार दिया आपने तो ब्लड भी साफ हो गया, इम्यूनिटी को बढ़ा दो, सेल्स का जीवन दो, इम्यूनिटी को बढ़ाओ। यही फॉर्मूला आज मैं दे रहा हूं, इस फॉर्मूला से यहां तक कि एचआईवी पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, हजारों केसेस हम लोग ठीक हुए हैं, जो डॉक्टर जगा वर्टिकंचरी ने और आज डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने वियतनाम थाईलैंड में ये कर रहे हैं ठीक। तो आज वो एचआईवी की ड्रग्स दे रहे हैं जिससे आपकी उसकी साइड इफेक्ट्स कितनी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला फॉलो करें, जिनको भी आप ये फॉर्मूला बता दें तो हो जाएगा। और इसके लिए मैं आपके साथ रोज लाइव रहूंगा, रोज कनेक्ट करूंगा, तो जब तक ये चलेगा हम ऑनलाइन सबको योगी बनाते जाएंगे, और सब लोग घर में घर बैठे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे कि ये एक तरीका हुआ, इसी में अगला प्राणायाम, अभी मैं प्राण शक्ति की ही बात कर रहा हूँ। प्राण शक्ति डेवलप होगा तो आपकी वाइटल एनर्जी लंग्स है वो टॉक्सिन्स को निकालने में करेगा, लेकिन साथ साथ आपके नेवल पॉइंट जो नाभि है वो साफ रहनी चाहिए, आपकी जो पेट है, जो पाचन क्रियाएं हैं वो ठीक होनी चाहिए। उसके लिए मैंने बता दिया कि पेट साफ होना चाहिए। शोधन क्रिया के बारे में जो कैसे कैसे पेट साफ करना है उसका हम आपको और भी प्रोसेस बताएंगे, ठीक है। अभी